खुर्सीपार पुलिस ने चोरी के मामले में फरार तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोनू के दो साथी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने सड़क किनारे खड़े ट्रक के तिरपाल को काटकर कार पार्ट्स के 15 कार्टून को चोरी कर लिया था, जिसे बरामद कर लिया गया था। खुर्सीपार पुलिस की हिरासत में मौजूद इस आरोपी का नाम है सोनू उर्फ चंद्र कुमार शर्मा, जिसे पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू और उसके दो साथियों द्वारा खुर्सीपार में सड़क किनारे खड़े ट्रक की तिरपाल को काटकर कार पार्ट्स के 15 कार्टून, जिसकी कीमत 2 लाख बताई गई है, को चोरी कर लिया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। चोरी की घटना में शामिल दो आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार सोनू रायपुर में छिपकर रह रहा था और खुर्सीपार स्थित अपने घर आया हुआ था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये करीब 57 पहले की घटना है। इसमें तिलानाला के पास से एक ट्रक जो MH12SD 2299 ट्रक से कार के पार्ट्स जो है जा रहे थे, जो देर रात में अज्ञात आरोपियों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। करीब 2 लाख के आसपास का माल 15 कार्टून के आसपास चोरी होना प्रार्थी के द्वारा बताए जाने पर 387 का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार पुलिस के द्वारा पता तलाश करने पर एक गंगूर धर्मेंद्र करके आरोपी को पकड़ा गया था। आरोपी को पकड़ने के बाद में पूछताछ करने पर उसने दो अन्य साथियों के साथ में चोरी की घटना को अंजाम देना बताया था, तथा जिसमें जिसके निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा उसी दिन, और दोनों के निशानदेही पर जो माल है चोरी का उसको उसी दिन बरामद कर लिया था। बरामद करने के उपरांत पे जो तीसरा आरोपी है सोनू उर्फ बउआ उर्फ चंद कुमार शर्मा, ये जो तीसरा आरोपी है ये फरार चल रहा था, जिसको आज पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। कहाँ से गिरफ्तार? ये इसके बारे में सूचना मिली थी कि घटना के बाद ये जब पुलिस ने अन्य आरोपियों को पकड़ा तब ये भागकर रायपुर तक अपने दोस्तों के लोगों के पास छिप रहा था। आज सूचना मिली कि ये घर पर आया हुआ है। घर पर आने की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर इसे पकड़ने के लिए घेराबंदी किया गया था, तो भागने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद इसको पकड़ने में सफलता मिली। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व से ही कई मामले खुर्सीपार थाना में दर्ज हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सुभाष यादव वीरेंद्र पाल की भूमिका अहम रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।